हेलो गाइस, अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उसमें अगर आप मेनली कॉल ऑप्शंस को ही बाय करते हैं तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि उसमें मेनली आप लोगों को नुकसान ही हो रहा होगा, क्योंकि इसमें आपके लिए दो फैक्टर्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव चले जाते हैं कॉल ऑप्शंस के अंदर। तो पहला तो होता है टाइम। टाइम जो होता है कि हमें जैसे एक्सपायरी होती है हर मंथ में, जो है थर्सडे को एक्सपायरी हो जानी है, ये फिक्स्ड है। तो जैसे ही आप कोई भी कॉल ऑप्शन बाय करते हैं तो भले ही आप सोच रहे हैं कि इसका प्राइस बढ़ेगा, तभी आपने इसका कॉल ऑप्शन बाय किया होगा, क्योंकि कॉल ऑप्शन बाय करने पे आपको फ़ायदा तभी होगा जब उसका जो है शेयर का वैल्यू ऊपर जाएगा और आपका जो जितने का आपने ऑप्शन बाय किया है उतने वैल्यू से ऊपर चला जाएगा, तब जाके आपको प्रॉफिट होगा। तो मान लीजिए जैसे HDFC बैंक का कॉल ऑप्शन है, अब इसका मान लीजिए इसको बाय करने के लिए आपको जो है प्रीमियम देना पड़ रहा है 5.5 रुपये का, तो आपके पास पैसा होना चाहिए लगभग 3025 रुपये, तब आप उसका एक लॉट खरीद पाएंगे 350 का। अब आप क्या सोच रहे हैं कि मैं ये 1500 वाला ख़रीद रहा हूँ और इसका जो है HDFC मान लीजिए अभी 1480 के आसपास चल रहा है मान लीजिए, और आपको लगता है कि कुछ दिन में ये 1500 टच कर जाएगा, तभी आप इसका कॉल ऑप्शन ख़रीद रहे हैं। तो ये क्या है कि अगर वो शेयर की वैल्यू 1480 जाने की जगह 1485, 90 इस तरह से, और वापस से थोड़ा नीचे आकर के वापस से 1480 आ गया, मेरा कहने का मतलब कि 1500 टच नहीं किया है, उससे ऊपर नहीं गया, लेकिन वो क्या है कि शेयर ना तो नीचे गया ना ही ऊपर गया, तो भी क्या होगा इसका जो प्रीमियम है वो घटता चला जाएगा और आपको जो है लॉस होना शुरू हो जाएगा, यानी एक टाइम डिके इसमें शामिल रहता है। तो टाइम डिके का मतलब है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, ये अपनी एक्सपायरी के पास जैसे जैसे पहुँचता जाएगा, तो शेयर भले ही नीचे ना भी गिरा हो तब भी आपको जो है लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो कॉल ऑप्शन हमेशा रिटेलर्स ही ज़्यादा इसको खरीदते हैं बेचारे, और वही सबसे ज़्यादा इसमें लॉस बुक कराते हैं क्योंकि टाइम डिके हो गया। साथ में इसमें एक दूसरा फैक्टर होता है वॉलेटिलिटी का, उसमें भी क्या होता है कि जैसे ही कॉल ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ तभी खरीदना चाहिए, मैं कहूँगा कि तभी ज़्यादा काम करता है जब ये काफ़ी अच्छी वॉलेटिलिटी में हो, यानी वॉलेटाइल हो जब शेयर, और ऊपर बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तब जाके कॉल ऑप्शन खरीदने का फ़ायदा है। अदरवाइज़ मैंने जैसे ही बताया कि अगर शेयर की वैल्यू नहीं भी बढ़ी तो भी गिरावट रहेगी आपके ऑप्शन के, इस कॉल ऑप्शन के अंदर। तो इस वजह से जो है हम लोग कॉल ऑप्शन खरीद लेते हैं कि हम सोचते हैं कि 550 का क्वांटिटी है और 5 रुपये मिल रहा है, तो हम मैक्सिमम कितना लूज़ करेंगे 5 रुपये, और हमें बताया जाता है कि कितना प्रॉफिट होगा, अनलिमिटेड हो जाएगा साहब। लेकिन वो तभी होगा ना जब आप प्योरली 100% श्योर है कि वो 1500 से ऊपर जाएगा ही जाएगा, तब जाके तो आपका प्रॉफिट होगा। अगर वो 1500 के नीचे ही रहता है और उसी रेंज में घूमता भी रहता है तब भी आपका प्रॉफिट नहीं हुआ, तो आपका तो सिर्फ एक ही चांस बनता है जब वो 1500 से ऊपर चला जाए। अगर 1500 से नीचे गया, नीचे ही रहा, तब भी आपका लॉस है, और आपने जिस लेवल पे ख़रीदा था उससे और नीचे चला गया, अब तो आपका लॉस है ही सही। तो आपको 3 में से 2 सिचुएशंस पे हारने का मौका मिल रहा है कि या तो शेयर की वैल्यू वहीं रह गई जहाँ पे आपने खरीदा, ऊपर ही गया ही नहीं या नीचे चला गया, दोनों लेवल पे आपको नुकसान हो गया। लेकिन आपको फ़ायदा तभी होगा जब वो मोमेंटम के साथ ऊपर चला जाए, अगर मोमेंटम के साथ ऊपर नहीं गया यानी तेज़ी से ऊपर नहीं गया तब भी आपका लॉस ही होगा। तो इस तरह से मैं कहूँगा कि 2.5 सिचुएशंस में आपको लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी बन गई। अगर 3 में से मैं 2 प्रोबेबिलिटी कह रहा हूँ हारने की, यानी 66% हारने की प्रोबेबिलिटी और सिर्फ 33% प्रोबेबिलिटी आपके जीतने की है, और उस 33 में से भी शेयर की वैल्यू बढ़ना तो है लेकिन तेज़ी से बढ़े, मोमेंटम के साथ बढ़े, तब जाके आपको इसमें ऑप्शन में फ़ायदा होगा। और वहीं कॉल ऑप्शन जो है अगर कोई सेल करता है तो वो उसमें प्रॉफिट कमाता है। अगर वो प्रॉफिट कैसे कमाता है, क्योंकि आप सोचते हैं कि हमने जो प्रीमियम देके खरीदा है वो प्रीमियम जिसने कॉल ऑप्शन को सेल किया होगा उसके पास चला गया, अब अगर उसका प्रॉफिट जो है फिक्स्ड हो गया कि इसको जो है इतना ही प्रॉफिट मिलने वाला है 5 रुपये का ही, उसका जो लॉस हो सकता है वो मैक्सिमम लॉस हो सकता है। तो यहाँ पर हम यही सोचते रह जाते हैं कि हम क्यों ना कॉल ऑप्शन को बाय कर लें, कि हम अपना लॉस जो है फिक्स रखना चाहते हैं, उसको ऊपर नहीं जाने देना चाहते कि 5 रुपये का मैक्सिमम लॉस हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन हमें प्रॉफिट का लालच रहता है कि बहुत ज़्यादा जा सकता है, जो कि अभी होता नहीं है। मैक्सिमम आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे आप इस बात से अग्री करेंगे कि अगर आपने कॉल ऑप्शन में ट्रेडिंग किया है तो कॉल ऑप्शन के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी जब ज़्यादा है तभी आपको प्रॉफिट होगा, अदरवाइज मैक्सिमम टाइम उसमें नुकसान ही होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये शेयर करूंगा कि अगर जो कॉल ऑप्शन को सेल करके चलता है वो क्या बेवकूफ़ है क्या, कि उसने जो है अपना प्रॉफिट फिक्स कर लिया कि मुझे तो सिर्फ 5 रुपये का ही प्रीमियम जो देने वाला है उतना ही चाहिए, अगर लॉस होना शुरू हुआ तो मैं जो है मैक्सिमम लॉस उठाने को तैयार हूँ, तो क्या भैया कॉल ऑप्शन जो सेल कर रहा है वो बेवकूफ़ है या बहुत समझदार इंसान है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में वो बात करेंगे। तो आज का वीडियो था कि कॉल ऑप्शन बाय करना अधिकतर नुकसानदायक रहता है, कॉल ऑप्शन को सिर्फ और सिर्फ तभी बाय करना चाहिए जब आपको लगता है कि वो बहुत
हाई चांसेस है उसके ऊपर चले जाने की। जैसे मान लीजिए कोई बजट का सेशन आ रहा है, कोई मानसून का सेशन आया है, कोई ऐसी न्यूज़ आई है जिसके बिहाफ पर जो है वो ट्रेड या शेयर जो है ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तब जाके आपको कॉल ऑप्शन बाय करना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने थोड़ा सा कॉल ऑप्शन के बारे में बात किया है। अगर आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।